नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन आज है 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल की वीडियो में लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आंसर के बारे में हम डेली लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका कमेंट करके जवाब जरूर दें जो पीछे के करंट का है। कल का करंट था, किस राज्य ने पान मसाला की श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य ने लगाया है? राजस्थान राज्य ने। इससे पहले दो राज्यों में प्रतिबंधित था, महाराष्ट्र और बिहार में पहले से प्रतिबंधित था। ये तीसरा राज्य है राजस्थान जिसमें पान मसालों के लिए श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाया है। अब आज के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी बैठक में नीतिगत रेपो रेट के आधार पर कितने आधार अंकों की कटौती की है? तो कितने आधार की अंकों की कटौती की है? 25। करेक्ट आंसर है एक नंबर। आरबीआई है, तो आरबीआई के बारे में चर्चा करते हैं। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास है और आरबीआई के मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों बीपीएस की कटौती की है। एमसीपी ने मौद्रिक नीति के समायोजन में रुख को बनाए रखने का भी निर्णय लिया है। चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में के लिए लिए गए मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं। चल निधि समायोजन सुविधा है LAF के तहत रेपो रेट 5.40% से घटाकर 5.15% कर दिया गया है। LAF के तहत रिवर्स रेपो रेट है वो 4.90% तक संशोधित किया गया है। सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर और बैंक रेट को संशोधित 5.40% किया गया है और RBI ने 2019-20 के लिए वास्तविक DGP वृद्धि के लिए 6.9% से घटाकर 6.1% कर दिया है। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और WhatsApp ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की लिंक मिलेगी जहाँ से आप दोनों ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, दो नंबर, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है जिन्होंने अपनी कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया जो सुशील चंद्र मिश्रा है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है सुशील चंद्र मिश्रा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सुशील चंद्र मिश्रा को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। वह उत्पल बोरा का स्थान लेंगे। सुशील चंद्र मिश्रा ने 1984 में ऑयल में एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की थी और उन्होंने वाणिज्यिक मामलों में गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। उन्होंने इन्वेंट्री प्रबंधन, विक्रेता विकास, फ्रेमवर्क समझौता और इनसे संबंधित रणनीतियों के लिए खरीद नीतियों और प्रतिक्रियाओं को तैयार करने और लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का कहां से कहां तक चलेगी? तो देश की पहली निजी ट्रेन है जो तेजस एक्सप्रेस है वो कहां से कहां तक चलेगी? दिल्ली से लखनऊ तक चलेगी। ये है तेजस एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर देश की पहली निजी ट्रेन दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस की लखनऊ से पहली यात्रा शुरू की है। ये भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन होगी जो पूरी तरह भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC द्वारा लगाई जाएगी। नई तेजस एक्सप्रेस 6 घंटे 15 मिनट में दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी तय करेगी। दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को IRCTC द्वारा 25 लाख तक का मुफ्त बीमा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, किस बैंक ने हाल ही में UKS डिजी लॉकर और एक ऐप नामक 3 नए डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं? तो किस बैंक ने किए हैं? ये यूको बैंक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। यूको बैंक के MD और CEO है अतुल कुमार गोयल और यूको बैंक के मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। UKS ग्राहकों को डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ATM से पैसे निकालने में सक्षम बनाता है।
डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त करना है और सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को साझा करने में सक्षम रहेगा। तीसरा उत्पाद नया मोबाइल ऐप बैंक के चार मौजूद ऐप यूको बैंक एम बैंकिंग यूको यूपीआई यूको म्यूजिक बुक और यूको सिक्योर को एकल इंफ्रेंस इंटरफेस में स्वीकृत किया देता है। नेक्स्ट है पांच नंबर, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? तो राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती को नियुक्त किया है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही यही है इंद्रजीत मोहंती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इन मुख्य न्यायाधीशों को केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, गुवाहाटी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया है। नाम अब इनका नाम और उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करते हैं। जो और है 7, लिगम्बा नारायण स्वामी है जो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय, रवि शंकर झा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के, इंद्रजीत मोहंती राजस्थान उच्च न्यायालय, जे के माहेश्वरी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, एस मानी कुमार केरल उच्च न्यायालय के और अरूप के गुहास्वामी या सिक्किम उच्च न्यायालय के, अजय लांबा है जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में हाल ही में नियुक्त की है। नेक्स्ट है नंबर, भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ से शुरू किया गया है? तो भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल है जो मुंबई से शुरू किया गया है। भारत के मुंबई महाराष्ट्र में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA अरब सागर में पहली बार फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट शुरू किया गया है। NBA इंडिया ने 20 दिसंबर 2018 को घोषणा की थी कि देश में पहला NBA गेम 4 और 5 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। NBA इंडिया गेम्स 2019 में सैक्रामेंटो किंग्स और इंडियाना पेपर शामिल होंगे जो 4 और 5 अक्टूबर को 2 प्री सीजन करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। 7 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के किस पत्रकार का निधन हो गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल का फारूक खान पत्रकार का निधन हो गया है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही यही है फारूक खान पत्रकार। दक्षिण अफ्रीका के में भारतीय मूल के पत्रकार फारूक खान का निधन हो गया है। वह महाराष्ट्र से थे। उन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पेजेंट के तर्ज पर मिस इंडिया साउथ अफ्रीका पेजेंट की शुरुआत की थी इन्होंने। नेक्स्ट है 8 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR वाहन मित्र योजना लॉन्च की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? आंध्र प्रदेश राज्य के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के LU में YSR वाहन मित्र योजना लॉन्च शुरू की है, जिसके तहत सरकार अपने बीमा प्रीमियम, लाइसेंस शुल्क और अन्य आवर्ती खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से ऑटो रिक्शा व टैक्सी कैब चालक को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट है 9 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है और राष्ट्र जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है जो 5 अक्टूबर को मनाया गया हाल ही में। विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना है। 1966 में यूनेस्को द्वारा 1966 की सिफारिश को अपनाने की वर्षगांठ की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय था यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशंस। यूनेस्को ने उच्च शिक्षा में शिक्षण और अनुसंधान कर्मियों को शामिल करके 1966 की सिफारिश को पूरा करने के लिए 1997 में उच्च शिक्षा शिक्षण कार्मिक की स्थिति से संबंधित सिफारिश का अपनाया। यूनेस्को की सिफारिश शिक्षकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों और उनकी प्रारंभिक तैयारी के आगे की शिक्षा, भर्ती, रोजगार और शिक्षण सीखने की स्थिति में बारे में मापदंड निर्धारित करती है। नेक्स्ट है 10 नंबर, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है MCA जिसका अध्यक्ष हाल ही में विजय पाटिल को चुना गया है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है विजय पाटिल। विजय पाटिल को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन
एमसीए का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि संजय नाइक और अमोल काले को क्रमशः सचिव और उपाध्यक्ष चुना गया है। विजय पाटिल बिहार के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर डी वाई पाटिल के पुत्र हैं। आज का करंट अफेयर पूरा हुआ। लास्ट में आपसे पीछे का करंट का एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आप कमेंट करके जवाब जरूर दें। आईआरसीटीसी के यात्रियों को दिल्ली से लखनऊ जाने वाली किस ट्रेन के लेट होने पर मुआवजा दिया जाएगा? तो करेक्ट आंसर आप जरूर बताइए। पहला ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस, दूसरा ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेस, तीसरा ऑप्शन है चेतक एक्सप्रेस और चौथा ऑप्शन है तेजस एक्सप्रेस। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट करके जवाब जरूर दें आप। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल पर हम करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, जीके, सामान्य विज्ञान से संबंधित और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और पीछे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। भर्ती से संबंधित सूचना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की के भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर अभी तक यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर करना। तो बने रहिए आप इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पर डेली नई अपडेट के साथ।